चलो आज बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। हम सब स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे स्मार्टफोन्स होते कितने ड्यूरेबल हैं? आखिर उनकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कैसे की जाती है? कौन सा स्मार्टफोन कितना ड्यूरेबल है ये पता कैसे चलता है? ये पता लगाने के लिए आज मैं आया हूँ ओप्पो की फैक्ट्री में, जहाँ पर स्मार्टफोन्स किस तरीके से टेस्टिंग उनकी होती है ड्यूरेबिलिटी की, ये पता करेंगे। यहाँ पर ओप्पो की रेनो 8 सीरीज़ के फ़ोन्स का रिग्रस टेस्टिंग चल रही है, और आज यही देखते हैं कि हमारे स्मार्टफोन जिनमें ओप्पो रेनो 8 भी शामिल है कितनी रिग्रस टेस्टिंग से गुजरते हैं, कितना उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है जिसके बाद हमारा स्मार्टफोन हमारे हाथों में आता है। तो आज इसी कहानी को पता करते हैं, लेट्स गो। ओप्पो की इस फैक्ट्री में इस वक्त बाजार में बिक रहे ऑलमोस्ट सभी ओप्पो फोन्स असेंबल होते हैं, उन पर रिग्रस टेस्टिंग की जाती है। लेकिन यहाँ आज मैं देखने आया हूँ ओप्पो की रेनो 8 सीरीज को, जो बाजार में लॉन्च होने से पहले कई रिग्रस टेस्टिंग से गुजारी जाती है। रेनो 8 सीरीज की टैगलाइन है बिल्ट टू लास्ट। चलिए आज देखते हैं कि आखिर ये फोन्स कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सर्दी गर्मी हो या बरसात, हर मौसम में दिन हो या रात, हम लोग अपने फोन से एक पल भी बिछड़ना पसंद नहीं करते। अब कुछ लोग इसी को स्मार्टफोन एडिक्शन कहते हैं तो कुछ जरूरत, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के दौरान हमारे पसंदीदा गैजेट्स इतनी टफ सिनेरियो से गुजरते हैं कि क्या बताऊं। रोजाना एक दो बार गिरने से लेकर बारिश में भीगना, कड़ी गर्मी झेलना और भी न जाने क्या क्या। और फोन चाहे ओप्पो का हो या किसी और ब्रांड का, दुनिया का हर फोन ये जुल्म तो सहता ही है चुपचाप। लेकिन इस तरह के जुल्म सहने की ट्रेनिंग फोन्स को उनके अर्ली डेज में ही दिला दी जाती है। ओप्पो की इस फैक्ट्री में रेनो 8 सीरीज को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में घंटों रखा जाता है, कभी इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर जो खून जमा दे। कभी इतनी गर्मी जिसमें इंसान रह भी ना सके। So basically, इन सभी मशीन्स के ऊपर टेम्परेचर का दरअसल कभी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है बहुत ज्यादा, कभी टेम्परेचर को बहुत गिरा दिया जाता है कि फोन पर बर्फ तक जम जाए, और ऐसा भयानक टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है कि ह्यूमन को जिसे कहा जाए सर्वाइव भी ना कर सके, ऐसे ऐसे इस तरीके का टेम्परेचर बनाया जाता है। और इस मशीन के अंदर बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पसंदीदा स्मार्टफोन के ऊपर कितने अत्याचार हो रहा है। देखिए बाहर से ही इतनी बर्फ जमी हुई है कि जिसे कहा जाए कि अंदर फोन का क्या हाल होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा है। Let's see. फोन के ऊपर मेरी उंगलियां चिपक रही हैं इस मेटल के ऊपर। फोन पे बाप रे बहुत ठंडा है, फोन पे लिटरली बर्फ जम गई। लेकिन इन फोन्स को इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में रख कर इनकी ड्यूरेबिलिटी को परखा जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में फोन की परफॉर्मेंस, उसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फॉर्म फैक्टर में हुए बारीक से बारीक बदलाव को भी नोट डाउन किया जाता है, ताकि या तो उसे करंट वर्जन में ही सुधारा जा सके या फिर नेक्स्ट मॉडल्स में फोन को और बेहतर बनाया जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होने वाली इसी मेहनत के कारण आज के फोन्स के मुकाबले 5 साल ही पुराने फोन्स बहुत आउटडेटेड नजर आते हैं। ओप्पो की इस फैसिलिटी में ड्यूरेबिलिटी के ये टेस्ट सिर्फ टेम्परेचर वाले ही नहीं थे, बल्कि मौसम की दूसरी दुश्वारियां भी इन फोन्स को सहनी पड़ती हैं, जैसे कि बारिश। फोन में आईपी रेटिंग तो हम लोग काफी सुनते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में कितना वो कारगर साबित होती है यहाँ पर पता चलता है। ये है रेन टेस्ट मशीन, यहाँ अंदर हो रही है बारिश और फोन बारिश में घंटों भीग भीग के टेस्ट होते हैं। लिटरली ये जो खास पानी ये बनाया गया है, इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे ये एक्चुअल रेन वाटर की तरह ही इसका जिसे कहा जाए पूरी तरीके से रेन वाटर हो जाता है। मैं आपको फील नहीं करा सकता, पर जो स्मेल आ रही है वो लिटरली रेन वाटर की आ रही है। जैसे बारिश होती है तो कैसी स्मेल, एक अलग सी होती है ना, अच्छी सी उस तरीके की स्मेल इस
वाटर से आ रही है, तो इट्स नॉट अ नॉर्मल वाटर, ये रेन वाटर है। और ये फोन यहाँ पर इस रेन वाटर में घंटों टेस्ट होता रहता है। और धूल से भरी आंधी जिसमें फोन के पोर्ट्स में भी धूल मिट्टी घुसने का खतरा रहता है। सो आईपी रेटिंग जो हम सबके फोन्स में होती है, उसमें जो पहला नंबर होता है जैसे IPX8, तो जहां पे X का साइन है, दैट इज डस्ट, कि फोन आपका डस्ट रेजिस्टेंट कितना होता है। तो वो रेटिंग जो है वो कैसे पता होती है, इस तरीके की मशीन्स के अंदर जहां पर धूल को इस मशीन में उड़ाया जाता है और फोन के जितने भी पोर्ट्स हैं, चाहे वो आपके स्पीकर पोर्ट है या चार्जिंग पोर्ट है, जितनी भी जहां से भी डस्ट जा सकती है, और लिटरली आप देखिए इतनी महीन डस्ट यहां पर उड़ाई जाती है इस फोन के ऊपर। और फिर उसमें चेक किया जाता है कि कहां कहां डस्ट फोन के ऑपरेशंस में दिक्कत दे रही है और कितनी डस्ट परेशान कर सकती है। तो ये जो मशीन है यहाँ पर पूरी तरीके से लॉक रहती है ये मशीन, और यहाँ पर कैसी कितना डस्ट रेजिस्टेंट फोन है ये पता होता है। सर शुरू करें। इन सब टेस्ट के साथ साथ फोन्स की पिटाई भी अच्छी खासी होती है। आप और हम अपने फोन्स को क्या ही गिराते होंगे, जितना ओप्पो के इंजीनियर्स इन फोन्स को अलग अलग तरीके से गिराते रहते हैं दिन भर। कभी स्क्रीन की तरफ से पटका, तो कभी बैक पैनल की तरफ से, कभी मशीन के अंदर फोन को चक्कर खिला खिला कर लुढ़काया पटकाया, तो कभी इसके ऊपर ही लोहे की बॉल गिराने लगे। भला कौन करता है इतने टॉर्चर फोन के ऊपर वो भी। और ये सारा टॉर्चर सिर्फ फोन के ऊपर ही नहीं, बल्कि फोन की चार्जिंग केबल्स को भी अच्छा खासा सहना पड़ता है। कभी वजन लटका कर, तो कभी टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा कर। मजबूती वाले टेस्ट से ग्रेजुएट होकर जो भी फोन्स निकलते हैं उनके डिस्प्ले के कलर्स का फिर मुआयना होता है। डिस्प्ले अच्छा हुआ तो फिर नंबर आता है कैमरे का। कैमरा के लेंस, ऑप्टिक्स, जूम, सब कुछ बराबर जांचा और परखा जाता है। और इन सब के बाद ये फोन्स आपके और हमारे हाथों में पहुंचते हैं। तो बात क्लियर हो गई ना कि आखिर हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, खासतौर पर ओप्पो की रेनो सीरीज के फोन्स, इनको कितने रिगरस टेस्टिंग से गुजारा जाता है हम लोगों के हाथों में आने से पहले। और ये चीज़ अगर आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, बिकॉज आपके कमेंट्स के बगैर मतलब हम जैसे क्रिएटर्स एकदम अधूरे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में।